जय श्री राधे, जय निताई। हम वृंदावन रमन रेती श्री भागवत निवास में रहते हैं, तो इस जमुना मिशन के कार्यक्रम में आज दर्शन करने के लिए आए हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि इतना सुंदर वृक्षावली, इतना सुंदर फूल पत्ते देख के हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दो साल पहले भी देखे थे इतना इस जगह की स्थिति इतना ख़राब थे, आज उस जगह के स्थिति बहुत परिवर्तन हो गए, देख के हमें भी बहुत आनंद हुआ। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, वृंदावन धाम की जय हो। आज महाराज जी का कृपा से हम लोग भागवत निवास से आए हैं और आप लोग देख रहे हैं और भी संत है। ये जमुना महारानी के लिए तो बहुत साल से बहुत कुछ कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन महाराज जी भी शामिल है जमुना मिशन में। आज जमुना मिशन के तरफ से हम लोग इधर आए सौभाग्य हुआ दर्शन करने के लिए। जो वृक्षावली जो परिवेश है खूब ही सुंदर अच्छी हो रहा है। हम लोगों को ठाकुर जी के पास प्रार्थना भी है और आप लोग जो देख रहा है आप लोगों के पास भी मिनती है जे ये जमुना मिशन के तरफ से और भी सहयोग करे और परिवेश सुंदर हो, क्योंकि ये कन्हैया का धाम है, वृंदावन धाम श्रीमती राधा रानी का धाम है। इस धाम को सुंदर जो करने के लिए वृक्षावली के पास संत समाज और भी सब कुछ है, जमुना जी है, जमुना जी के पास ही है ये जो परिवेश किए है वृक्षावली रोपण बा प्राकृतिक सौंदर्य। तो इसलिए दर्शन करके हम लोगों को बहुत अच्छी लग रहे है और आगे भी ये कार्यक्रम और भी द्रुत गति से अग्रगति हो रहे होंगे, ये आशा व्यक्त करके सबाई को जय श्री राधे। जय श्री राधे, हम रघुनाथ दास भागवत निवास के तरफ से आए हैं। ये जो जमुना संघ मिशन हो रहा है, ये जमुना मिशन में इतने अच्छे काम हो रहा है कि ये सोच भी नहीं सकते कि कितने अच्छे काम हो रहा है। जो किशोर जी की धाम है और इस धाम में जो पहले की अवस्था थे, हम जब आए पहले दो साल पहले हम जब इस स्थान पर आए थे तो यहाँ पे सिर्फ कचड़ा थे, पर महाराज जी की कृपा और महाराज जी के सान्निध्य में जो जमुना मिशन में जितने भी लोग इस मिशन में जुड़ा हुआ है सब लोगों के संकल्पों के कारण इतना सिद्धि हुआ है कि इतना आज दिखाई मिल रहा है कि पेड़ पौधा एक लग रहा है कि से वैसे ही वृंदावन है जो अभी कचड़ा से मुक्त हो गया। इसी प्रकार जो वृंदावन की जो शोभा भी बढ़ा रहा है ये जमुना मिशन में, हम चाहते हैं कि इसके इस मिशन में हर व्यक्ति सहयोग प्रदान करे और इस मिशन को आगे बढ़ाए, क्योंकि इस वृंदावन धाम कन्हा के धाम है, इनको रक्षा करना, इनकी देखभाल करना हमारी दायित्व है। तो जितने लोग सहयोग कर रहा है ये संकल्प के लिए उन लोगों के साथ भी देना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि इस मिशन में जितने काम हुआ है सबसे बढ़िया अच्छा काम हुआ है, तो हम यही संकल्प करते सबके साथ और सबसे यही प्रार्थना निवेदन करते कि इस मिशन में जुड़े रहे और इस वृंदावन धाम को सुंदर वनवाटी बनाने के लिए सर्वदा ही सहायक बने रहे। ये करके हमारे भक्तों श्री राधे।